प्रिय विद्यार्थी बगलिया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। इससे पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया के प्रकार में चार भेद होते हैं, उसमें से दो प्रकार आज हम पढ़ेंगे। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान या उसकी दिशा संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे यहाँ वहाँ, आगे इधर उधर, कहाँ जहाँ तहाँ, सामने ऊपर भीतर बाहर आसपास आदि। ये वो शब्द हैं जो क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, बच्चे पेड़ के आसपास खेलने लगे। यहाँ पर एक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है आसपास, बच्चे पेड़ के आसपास खेल लगे। ये खेलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो पेड़ के आसपास ही खेल रहे हैं। फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय या काल का मालूम, समय या काल का हमें पता चलता है उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए हैं, कुछ क्रिया विशेषण दी हुई, कालवाचक क्रिया विशेषण, अब, दिन भर, प्रतिदिन, कल, आज, परसों, पहले, पीछे, अभी, कभी, सदा आदि। दो उदाहरणों से और स्पष्ट होता है, तुम अब घर जाओ, तुम घर जाओ, इससे घर से पहले अब लगा, यानी ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। यह ट्रेन चलती है प्रतिदिन, यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है, यहाँ प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने जाना कालवाचक क्रिया विशेषण के प्रकारों में दो प्रकार, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह है जिससे जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की स्थान और दिशा संबंधी विशेषता का पता चलता है वह स्थानवाचक, और जिनसे क्रिया के होने का समय या काल का पता चले वो कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे भी दो अन्य प्रकार है, वो अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।